हेलो गाइस, तो आज है 1 जून और 1 जून है मेरे पार्लर की ओपनिंग का डेट। आज मेरे पार्लर को ओपन किए हुए 12 साल कंप्लीट हो गए, तो मैंने पूजा पाठ करवा लिया है। देन हमको जाना थोड़ा सा मार्केट एंड कुछ बैंक का काम था, और फाइनली मेरा पार्लर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो गया है, जिससे मैं गर्ल्स को सर्टिफिकेट दूंगी जो ऑल इंडिया में मान्य होगा। कहीं भी आप उस सर्टिफिकेट को दिखा के पार्लर में सैलून में जॉब ले सकते हो। तो मैंने हेयर स्टाइल की वीडियो बनानी है, तो हेयर स्टाइल की वीडियो बनाने से पहले मेरी आईब्रो थोड़ी हल्की है, तो मैंने सोचा मैं अपना आईब्रो फील कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने आईब्रो को फील कर लिया है, हल्का हल्का आईब्रो पेंसिल लगा के, सॉरी यहाँ पर मैंने आईब्रो पेंसिल नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट काजल लगाया था, और काजल से ही आईब्रो को फील किया। तो आप भी इस तरीके से काजल से आईब्रो को फील कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपना आईब्रो फील कर लिया। मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एंड जो मैंने इन्वर्टर अभी अपने गांव पे आने के बाद इन्वर्टर सेट करवाया है, तो इन्वर्टर में अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो आजकल में हो जाएगा। इस वजह से मैं पंखा भी नहीं चला पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। आईब्रो थोड़ी डार्क लग रही थी, तो मैंने इस तरीके से हटा दिया और पसीने को मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगाऊंगी एंड अपना वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए, इस तरीके से मैंने अपना आईब्रो फील कर लिया है, और आईब्रो फील करने के बाद से ये है लिप बाम, कलरफुल है, हल्का लाइट पिंक, बेबी पिंक में आएगा, तो इसको मैंने लगाया था। और देन हेयर स्टाइल स्टार्ट करूँगी। हेयर स्टाइल जो बनाऊँगी वो होगा एक क्लचर की मदद से। तो कल भी मैंने बताया था, अगर आप साड़ी पहन रहे हो, सिर पे पल्ला रखना है, बाहर कहीं जाना है, तो आप इस तरीके से क्लचर से बना के और सिर पे पल्ला कैसे अटैच करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो कि बोल के नहीं बता सकते हैं, एंड स्टार्टिंग में देखने से ऐसे लगता है कि आ गया, बट वो कोई कई चीज़ें रह जाती हैं जो कि आपको नहीं समझ में आती हैं। तो इसलिए आप वीडियो एंड तक देखा करो, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरीके से मैंने बालों को अच्छे से फॉर्म किया है, और बालों की कटिंग भी करने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो उसकी भी वीडियो जाएगी आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से सारे बालों को कॉम करके एक रबर बैंड की मदद से अच्छे से इसको सिक्योर कर लूँगी। कई लोग बोल रहे हैं बाल लंबे रखो, कई लोग बोल रहे हैं बाल छोटे रखो। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड कि मैं मुझे लंबा रखना चाहिए या छोटा रखना चाहिए। बहुत छोटा तो मैं नहीं करूँगी, जैसे कि बॉय कट, बॉब कट, साइड सेव, ये सब जो आते हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से बालों को, पोनी को आगे की तरफ किया है, एंड रबर बैंड के ऊपर इस तरीके से क्लचर को लगा दिया है। क्लचर को लगाने के बाद से सारे बालों को पीछे की तरफ इस तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से बाल क्लचर को हाइड करते हुए एक पतला वाला रबर बैंड लेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी ट्विस्ट करके क्लचर के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, और चाहो तो पतला वाला रबर बैंड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके बाल जो हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पतला वाला रबड़ बैंड नीचे की तरफ लगाया है, और सारे बालों को अच्छे से अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सारे बालों को अच्छे से होल्ड किया, और एक यू पिन की मदद से बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया सारे बालों को। और थोड़ा सा मैं इसको क्लचर के अंदर भी इंसर्ट करके दबा दे रही हूँ, ताकि ये बाद में खुले नहीं। तो इस तरीके से अच्छे से सारे बालों को ऊपर की तरफ रखेंगे, एंड क्लचर को हाइड करते हुए एक यू पिन लेंगे, और रबड़ बैंड जहाँ लगाया था पतला वाला, वहीं पे यू पिन को इस तरीके से लगा देंगे, और कुछ इस तरीके का लुक देखेगा। क्लचर को अच्छे से ओपन करके एक्स्ट्रा हेयर को अंदर ही इंसर्ट कर लेंगे, और ये हमारा जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आगे से थोड़ा सा बालों को खींचूंगी, जिससे कि फ्रंट का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट ना लगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है। इसको पल्लू को आपको इस तरीके से रखना है सिर पे, और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका पल्लू गिरे नहीं, आप कंफर्टेबल हो, पल्लू को बार बार पकड़ना ना पड़े, तो आप इस तरीके से रखोगे। हल्की साड़ी है तो एक पिन में काफ़ी है, बट अगर भारी साड़ी है तो 3-4 पिन आप लगा लीजिएगा यू पिन। तो मैं यहाँ पे एक पिन ही लगा रही हूँ, मैंने एक ही पिन से पूरा मार्केट से घूम के आ गई 4-5 घंटे तक, मेरा साड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है, और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का आया था, और मैंने ये साड़ी पहनी थी, बहुत हल्की सी साड़ी है, इसको मैंने मीशो से मंगाया था। 500 रुपये में मुझे 2 साड़ी मिली थी, एक आसमानी कलर की स्काई ब्लू, एंड ये रेड कलर की। रेड कलर वाली काफ़ी टाइम से चल रही है, बट स्काई ब्लू वाली शायद धूप में डालने की वजह से उसका आधा कलर उड़ गया था,
तो वो ख़राब हो गई साड़ी बहुत जल्दी। उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी इंस्टा पे, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मेकअप करके यूट्यूब पे भी अपलोड की थी। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में इस तरीके से मैंने बालों को ओपन कर लिया पहले फर्स्ट वाले हेयर स्टाइल को। अब सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा सा पोनीटेल के हेयर को ऊपर करना है, तो उसके लिए मैं इस तरीके से खींच रही हूँ और उसके बाद सारे बालों को आगे तरफ इस तरीके से करेंगे और थोड़ा सा ये जो हमारा रबर बैंड है वहीं पे क्लचर को लगा देंगे। और आप चाहो तो इस तरीके से भी रख के जैसे पहले बनाया था वैसे बना सकते हो, और चाहो तो सॉरी यहाँ पे क्लचर दिख नहीं रहा है, चाहो तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इस तरीके से ट्विस्ट करिएगा और क्लचर के चारों तरफ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से यूपिन से सेट कर दीजिएगा, फिर एक्स्ट्रा लास्ट हेयर को क्लचर के अंदर ही इंसर्ट कर दीजिएगा। बट मेरे बाल यहाँ पे छोटे थे तो एक साइड हैवी लुक आ जाता है, एक साइड पतला आ जाता, तो आपके भी बाल अगर छोटे हैं तो आप इस तरीके से टू पार्ट्स में बालों को डिवाइड कर लीजिएगा, हल्का सा ट्विस्ट कीजिएगा एंड इस तरीके से क्लचर के चारों तरफ लपेटते हुए और ऊपर में सारे बालों को इस तरीके से करते हुए एक या दो यूपिन लगा दोगे, काफ़ी है एक दो यूपिन, वो लॉन्ग टाइम तक चीटी का रहेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है यूपिन। और कैसा लग रहा है आपको बन हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आ रहा होगा। तो इस तरीके से लगा दिया है, सेंटर से जो क्लचर है वो दिखाई देना चाहिए, बैक से बालों को सेट कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा बेबी हेयर की प्रॉब्लम है तो आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने इस वाले हेयर स्टाइल में थोड़ा सा बीच से मांग निकाल लिया है, फ्रंट का फ्लिक्स जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, बढ़ गए हैं सारे बाल, तो बहुत जल्दी हेयर कट की वीडियो लेके आऊँगी। तो इस तरीके से किया है एंड इसमें भी पल्लू को सेट करेंगे, पल्लू सेट करने के लिए इस तरीके से रख रही हूँ, थोड़ा फ्रंट तक ले आएंगे एंड फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो फर्स्ट हेयर स्टाइल में किया था। एक यूपिन लेंगे एंड सेंटर में इस तरीके से लगा देंगे, हल्की साड़ी है एक यूपिन काफ़ी है, भारी साड़ी है तीन चार यूपिन लगाइएगा क्योंकि भारी साड़ी हमारी अक्सर खिसकती रहती है पीछे की तरफ, लेकिन हल्की साड़ी को बस मतलब होल्ड करना होता है बाकी वो अपनी जगह पर टिकी रहेगी, लेकिन भारी साड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो भारी साड़ी को अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। भारी साड़ी पे भी पिन लगा के मैंने बताया हुआ है। तो सेकंड हेयर स्टाइल के साथ जो मेरा लुक था वो कुछ इस तरीके का था। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा ये लुक? इसके बाद से हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ पर हमने थोड़ा सा डोसा वगैरह खाया, तो उसकी वीडियो यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ मैं। और सेकेंड चैनल पर मेरी जो ब्लॉग वीडियोज़ हैं वो जाते रहती हैं, तो सेकेंड चैनल पर भी जरूर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्रीत तिवारी 2 सर्च करोगे तो सेकेंड चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पे भी जाके मुझे देख सकते हो एंड मेरी डेली अपडेट्स ले सकते हो। तो दोनों हेयर स्टाइल में से कौन सा इजी लगा, कौन सा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। ये हम लोग पहुँच गए हैं होटल में जहाँ पे खाना खाते थे हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर डोसा ऑर्डर किया था। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चलिए इसके बाद हमने थोड़ा सा खाया, फिर हम लोग गए वहाँ पर क्या बनाना था, मोहर बनाना था, कोई फादर का मोहर, स्वीट ब्यूटी पार्लर का मोहर बनाना था, तो मोहर बनवाया हम लोगों ने और फिर हम लोग घर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।